दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी दीपावली सभी को। आज ये एक वीडियो जो मैं लाया हूँ, ये फिर से अपना स्पेस रेस से रिलेटेड वीडियो है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि बहुत बार पूछा जाता है, भाई स्पेस रेस ने क्या दिया। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया जहान जो है वो लैपटॉप पे काम करता है। ठीक है, हर इंसान के पास एक लैपटॉप है। लैपटॉप एक आम जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कौन सा लैपटॉप? जो लैपटॉप अपन यूज़ करते हैं, जिसका लिड ऊपर से बंद होता है, इसका भी एक नाम होता है दोस्तों। हर एक डिवाइस का एक फॉर्म फैक्टर होता है, और जो अपना लैपटॉप अपन यूज़ करते हैं ना, इसका नाम है क्लैम शेल डिज़ाइन। क्लैम शेल डिज़ाइन का मतलब ये है कि वो डिज़ाइन एक लैपटॉप की जिसमें जो स्क्रीन है वो कीबोर्ड के ऊपर बंद हो जाए। और आई थिंक सभी के पास यही लैपटॉप है क्लैम शेल डिज़ाइन का। तो थोड़ा सा अपन बात करते हैं लैपटॉप्स के बारे में। देखो, पोर्टेबल कंप्यूटर जो है उस पर रिसर्च पुरानी है, काफ़ी टाइम से चल रही थी। और ऑसबोर्न 1 एक निकला था पोर्टेबल कंप्यूटर, उससे पहले भी पोर्टेबल कंप्यूटर निकले थे कैलकुलेशन पर्पस के लिए। लेकिन क्लैम शेल डिज़ाइन का जो सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर निकला, जो कि आगे जाके एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन बन गया लैपटॉप्स के लिए, वो क्यों आया और कब आया? तो दोस्तों, इस सवाल का जो आंसर है वो अपने पास है स्पेस रेस। अब अपोलो मिशन है, एस्ट्रोनॉट्स को मेरे को ऊपर भेजना है। काफ़ी रिस्की अफेयर होता है, बिकॉज जब रॉकेट ऊपर जा रहा है तो सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको अपने को चेक में भी रखना है, अपने को कम्युनिकेशन बना के रखना है। जो अपन जब धरती पे होते हैं तो अपने पे जी का वो लगता है फोर्स नीचे की साइड, लेकिन जब अपन रॉकेट में जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक तरीके से ये मान लो हाथ उठा के अपने नाक पे खुजली करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। अभी तो बस हो गई, ठीक है। फिर आप माइक्रोग्रेविटी में चले जाते हो, जहां पे आप सीधे हो, टेढ़े हो, लेटे हो, खड़े हो, आपको पता ही नहीं चल रहा। इन सब चीजों में जो एक सबसे बड़ी चीज आती है ना दोस्तों, वो है कि जो अपोलो मिशंस थे या जो भी रॉकेट लॉन्च होते हैं जो कि एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाते हैं ऊपर, उनके पास दो कंस्ट्रेंट बहुत होते हैं। पहला, वजन, मास कितना लेके जा सकते हैं, और दूसरा स्पेस, जगह। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था जो रोबस्ट हो, जो कि पोर्टेबल हो, हल्का हो और साथ में जगह भी कम ले। तो जब इसके ऊपर मतलब क्या कहते हैं ना, जब सॉल्यूशन ढूंढा गया इसका, तो फाइनलाइज जो किया गया, 1980s की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले तो वो स्टैंडर्ड जो पोर्टेबल कंप्यूटर होते थे, जो कि मैं कह सकता हूँ कैलकुलेशन पर्पस के लिए होते थे, एक छोटी स्क्रीन होती थी। लेकिन जो लैपटॉप टाइप का जो पहला अपन बात करें कि जो एक सेटअप डिजाइन हुआ था नासा के लिए, डिजाइन जो हुआ था वो करा था ग्रिड सिस्टम नाम की एक कंपनी ने। उस वक्त मार्केट में ऑसबोर्न 1 नाम का भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर चलता था, लेकिन वो क्लैम शेल डिजाइन का नहीं था, यानी वो उस डिजाइन का नहीं था, उस फॉर्म फैक्टर का नहीं था जो कि अपन आजकल यूज करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब स्पेस रेस हुई, जब टेक्नोलॉजी को आगे भागना पड़ा, जब नेसेसिटी जरूरत पैदा हुई, तो कहते हैं ना कि भाई जरूरत ही एक नई खोज की जननी होती है, तो वही बात यहाँ पे भी हुई। नासा को चाहिए था एक ऐसा सेटअप जो कि पोर्टेबल हो, हल्का हो, रोबस्ट हो, एंड वी गॉट व्हाट वी हैव ऑन द स्क्रीन। ये जो आप देख रहे हैं अपोलो मिशन में यूज हुआ था। अगर आप इसको देखेंगे तो आजकल जो अपन लैपटॉप यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट इसी जैसा तो है। कीबोर्ड है, थोड़ी कीज बढ़ गई हैं, थोड़ा डिस्प्ले पूरा बड़ा हो गया है। बस एक और चीज है, अगर आप इसको देखेंगे तो इट नीड्स अ केबल, एक पावर केबल चाहिए इसको, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं थी। अब आजकल अपने पास बैटरीज आ गई हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी हद तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, मैं ये कह सकता हूं और बहुत कंफर्टेबली कह सकता हूं कि जो स्पेस रेस थी उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत आसान करा, क्योंकि स्पेस रेस की जो जरूरत थी एक पोर्टेबल कंप्यूटर की, एक रोबस्ट सिस्टम की, वही कन्वर्ट हुई आज की तारीख में जो अपने पास क्लैम शेल डिजाइन के लैपटॉप्स हैं, जो आप यूज करते हैं, जो मैं यूज करता हूं, जो हर एक इंसान यूज करता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो। अब एक छोटी सी एक और बात मैं अगर बताऊं आपको इन्हीं अपोलो मिशन से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ये है कि अपोलो मिशन जब हुआ था, जो पहला इंसान चांद पे गया था, वो 1980s में नहीं गया था, वो 1960s में गया था। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उस वक्त पोर्टेबल सिस्टम थे, मैं बात कर रहा हूं लैपटॉप की। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे पहली बार जब अपोलो मिशन गया, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा, तो ही ऑलरेडी हैड अ लैपटॉप। नहीं, उनके पास पोर्टेबल सिस्टम्स थे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो घरों में कंप्यूटर यूज होते हैं,
कहीं ना कहीं उसका जो डिजाइन है वो भी अपोलो मिशन के इनिशियल जो रूडिमेंट्री डेज थे तभी चालू हो गया था, क्योंकि उसी डिजाइन को आगे बढ़ाते 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 अपने को डेस्कटॉप्स बने, जो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर थे ना, मॉनिटर अलग कीबोर्ड अलग, वो बने। कहीं ना कहीं जो माउस है उसका जो डिजाइन है वो भी अपोलो मिशन के थ्रू, नासा के जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स थे उसके थ्रू आया था। तो कुल मिला के अगर एक लाइन में, सीधी लाइन में कहा जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख के जो लैपटॉप्स आप यूज़ करते हैं, जो माउस आप यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो क्रेडिट है वो स्पेस रेस को जाता है। सो वी कैन कंफर्टेबली से कि थैंक्स टू द स्पुतनिक मिशन जिसने स्पेस रेस को चालू किया और नासा ने उसको इतना आगे बढ़ाया कि अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया। सो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। आई होप आप सभी को मजा आया होगा और कुछ एक रोचक जानकारी भी मैं आपको दे पाया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।